इनोवेशन में प्रदीप गुप्ता का कोई सानी नहीं है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की सीनियर फैकल्टी गुप्ता भले ही एनिमेशन विभाग में 9 वर्षों से तैनात हैं, लेकिन उनकी सोच में हमेशा इलेक्ट्रॉनिक एरिया में कुछ ना कुछ नया करने का जोश और जुनून बरकरार रहता है। श्री गुप्ता की और उपलब्धियों की चर्चा तो बाद में करेंगे, फिलहाल उनके नए इनोवेशन से आपको रूबरू कराते हैं। उन्होंने एक सपना जो करीब एक दशक पूर्व देखा था वो अब मूर्त रूप लेने लगा है। टीएमयू की प्रारंभिक इमदाद के बाद अब इस प्रोजेक्ट को नेशनल रिसर्च एंड डिजाइन कॉरपोरेशन NRDC ने अपने हाथ में ले लिया है। श्री गुप्ता ने इस प्रोजेक्ट का नाम पावर जनरेटिंग टर्न स्टाइल गेट PGTG दिया है। निरंतर नई ऊंचाइयों को छूते हुए तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की इस सीनियर फैकल्टी ने एक अनूठे विद्युत गेट का आविष्कार किया है। यूनिवर्सिटी के इस प्रोजेक्ट को पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार के नेशनल रिसर्च एंड डिजाइन कॉरपोरेशन NRDC विभाग को भेजा जा चुका है। NRDC ने पेटेंट रजिस्ट्रेशन को हरी झंडी भी दे दी है। पेटेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जल्द ही रिसर्च पेपर भी प्रकाशित होगा। इस उपलब्धि से यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सुरेश जैन, GVC मनीष जैन, FOCS के निदेशक प्राचार्य प्रोफेसर R.K. द्विवेदी भी गदगद हैं। श्री गुप्ता की उपलब्धि पर पूरी यूनिवर्सिटी को नाज है। केंद्र सरकार ने डॉक्टर नवनीत के इस इनोवेशन को 1 मार्च 2019 को मान्यता दी है। डॉक्टर नवनीत ने इंटेलिजेंट थीफ आइडेंटिफायर थ्रू UV जेल बनाया है। इससे चोरों की त्रुटि रहित और सटीक पहचान हो सकेगी। डॉक्टर नवनीत के अलावा देश विदेश के 1.5 दर्जन नामचीन विशेषज्ञों की इस टीम ने इस कामयाबी का पहला चरण पार कर लिया है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी रिसर्च के प्रति बेहद संजीदा है। TMU तेजी से रिसर्च का एक महत्वपूर्ण डोमेन बन रहा है। इसमें FOECS का भी अहम रोल है। एनिमेशन विभाग की सीनियर फैकल्टी प्रदीप गुप्ता ने भी हाल ही में एक उपलब्धि हासिल की है। FOCS के निदेशक प्राचार्य प्रोफेसर R.K. द्विवेदी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, श्री गुप्ता की इस डिवाइस से पब्लिक प्लेस में मील का पत्थर साबित होगा। ये डिवाइस का जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगी। वो बोले, श्री गुप्ता अपने कार्य के लिए बेहद समर्पित अनुशासित ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए उम्दा सुपरवाइजर भी हैं। इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, मिस्टर प्रदीप कुमार गुप्ता हु इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द एनिमेशन सेक्शन ऑफ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी हु हैज क्रिएटेड वन डिवाइस विच इज नोन एज पावर जनरेशन turnstile gate, which could be installed at any public place, and once the people are entering with the entry and exit, whatever the energy would be applied by a human, that would be preserved in one device, and once is that after the sunset, it is getting dark, that there is one bulb of 12 volt, it's automatically that bulb would be getting blinked. So this could be one of the good way to generate power, and this is economically cheaper. Approximately 4,000 rupees cost would be incurred to create such kind of device. In fact, in future we are planning to install this device in our hospital and in our university gate for the testing purpose. However, patent is also filed for this device. Thank you.